वेलनेस की जो इंडस्ट्री है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इसके अंदर शायद वेलनेस के अलावा मुझे तो नहीं डॉक्टर रेडीज भी अब थोड़ा इस पर भी है। काफी चीज है नेस्ले जैसे आ रहा है वेलनेस के अंदर

मैं मेट्रोपोलिस से कुछ समय पहले जब शो में बात कर रहा था मुझे याद है अमीरा ने बोला था कि भाई एक होता है वेलनेस प्रिवेंटिव टेस्ट कि आप अपने मेडिकल चेकअप्स कराते हैं एक होता है जब आप बीमार पड़ते हैं जब आप कराते हैं hmm. तो अब जो रूटीन चेकअप्स कराते हैं इसके अंदर काफ़ी बड़ी ग्रोथ आ रही है यूर नॉट अनवेल बट यू डोंट वॉन्ट टू बी अनवेल यू वॉन्ट टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम ओली तो ये जो प्रिवेंटिव वेलनेस हम बोलते हैं ये बहुत बड़ा सेगमेंट है ओके okay, तो इस इस सेगमेंट के चलते फोकस ज़रूर रहेगा पर एक सेगमेंट जहाँ पे इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट बहुत है एटलीस्ट हम कुछ शोज़ करें तो हर कोई ना कोई सवाल पूछेगा ही पूछेगा वो है डिफेंस का क्योंकि एक तो इतना चल चुके हैं उसके बाद थोड़ी सी घबराहट होती है कि इन्वेस्टर्स को कि क्या निकल जाए क्या बेच दें पर हर बार सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट्स भी पॉजिटिव आ रहे हैं तो कैसे देखें डिफेंस को इस इस पॉइंट पे जब स्टॉक परफॉर्म कर चुका है अनाउंसमेंट सही हैं पर वैल्यूएशन कंफर्ट है तो देखिए मार्केट में आप इन्वेस्ट जब कर रहे हैं तो इन्वेस्टिंग इज 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 अबाउट बाइंग समथिंग समथिंग चीप एंड ट्रेडिंग बिलो इट्स फेयर वैल्यू जो महंगे हैं और जब भी मैंने हिस्टोरिकली देखा है कोई कंपनी अगर आप इस लेवल पे देखिए क्या यह ग्रोथ रेट मेंटेन रहेगी सरकार बिजनेस देती रहेगी बड़ी पिक्चर है mm. मगर क्या इस लेवल पर वो मार्केट अगले तीन चार पांच साल को फैक्टर इन कर रहा है मुझे लगता है कर रहा है तीसरा है कॉन्सनट्रेटेड है चौथा इसके अंदर सरकार की सप्लाई नहीं है अभी वो भी हो सकता है आज मुझे नहीं पता है पांचवा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सबका मानना है कि इनके अंदर इस समय कोई बहुत जूस नहीं बचा है तो डिफेंस स्टॉक्स के अंदर अगर आपने बहुत नीचे लिए हैं अगर आप बीस परसेंट अप डाउन साइड अंडर परफॉर्मेंस ये सब देख सकते हो तो बने रहिए मगर फ्रेश एंट्री एट पी मल्टीपल्स ऑफ इज नॉट एडवाइजेबल ओके तो डिफेंस पे हो गया नज़रिया पर एक सेक्टर जिसने अभी शायद इतना पार्टिसिपेट नहीं किया

टाइम वाइज करेक्शन प्राइस कंफर्ट साइकिल इन द राइट साइड गुड मैनेजमेंट ग्रेड रेगुलेटर तो प्रॉब्लम क्या है फिर प्रॉब्लम है एफ आई की सेलिंग ओके okay. और प्रॉब्लम ये हुई है कि जो बाइंग हुई है वो पी एस यूज में हुई है ना कि प्राइवेट में देखिए hmm. प्राइवेट बैंक अगर आप निकालें एच डी एफ सी बैंक और कोटा एक आई सी सी बैंक में तो चले चंदा कोचर के समय में थोड़े इशूज आए थे तो स्टॉक नीचे आ गया था तो जो बड़े प्राइवेट बैंक हैं इन्होंने सालों साल मार्केट को रूल करा है

f1 तो इस साल भी बेच रहा है तो आपको बेच देना चाहिए क्या f1 ने 2020 में भी बिकवाली करी थी यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट योर ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट इज मार्केट में कहावत है दैट इफ यू डोंट नो व्हाट यू आर स्टॉक मार्केट इज अ डिफिकल्ट प्लेस डेंजरस प्लेस टू लर्न आपको नहीं पता आप कौन है तो स्टॉक मार्केट में आके वो ना जाने जान करके स्टॉक मार्केट में ऑलराइट पर